मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे युवा मोर्चा की रैली ऐसी आवाज आएगी क्या? कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से गुजरात तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बंगाल में परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष महाशय, भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन पूनम महाजन जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सरदार अहलूवालिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई श्री बाबुल सुप्रियो जी, मुरलीधर राव जी, शिव प्रकाश जी, बंगाल के प्रभारी भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल सिन्हा जी, ममता जी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे साथ आए हैं ऐसे भाई मुकुल रॉय जी, यहां से ही सांसद श्रीमती रूपा गांगुली जी, स्वपनदास गुप्त जी, देवजी सरकार जी, श्री मनोज सिंगा जी, और आज की रैली में लाखों की संख्या में आए हुए प्यारे युवा मित्रों, भाई और बहनों। मित्रों, आज ये रैली इस बात को दिखाने वाली है, इस बात की परिचायक है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, बंगाल के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल है, बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष बाबू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चैतन्य महाप्रभु, काजी नजरुल इस्लाम और भारतीय जनता पार्टी के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि। मित्रों, जब युवा मोर्चा की ये रैली हो रही है, आज के दिन ही बंगाल के सपूत खुदीराम बोस का शहीद दिन है। यही खुदीराम बोस ने 18 साल की आयु में इस देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़कर अपना भारत मात के प्रति बलिदान देने का काम किया है। मित्रों, बहुत समय से रैली तय, रैली के बारे में अनेक प्रकार के व्यवधान डालने का काम किया गया। आज बंगाल की जनता इसको देख न पाए, इसलिए सारी बांग्ला चैनलों को डाउन कर दिया गया है। अभी ये रैली बंगाल की जनता देख नहीं पाती है, मगर ममता जी कान खोल कर सुन लो, हमारी आवाज बंद करने से यहां रुकेगी नहीं। पूरे बंगाल के हर जगह में जाऊंगा और तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन लेके जाऊंगा। लोकतंत्र का इतिहास उठा कर देख लीजिए, जिन्होंने आवाज दबाने का प्रयास किया है, आवाज और उठकर बड़ी होकर जनता तक पहुंची है, कोई लोकतंत्र में आवाज दबा नहीं। मित्रों, पूरे एयरपोर्ट से रैली तक उन्होंने बैनर लगाए बांग्ला विरोधी बीजेपी घोड़े। ममता जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम कैसे एंटी बांग्ला हो सकते हैं, हम कैसे बंगाल विरोधी हो सकते हैं,
हमारी पार्टी की स्थापना ही बंगाल के महान सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। अरे ममता जी, हमारा बांग्ला के प्रति आदर, प्रेम, पूज्य भाव वोट के लिए नहीं है। हम रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को हृदय से पूजन करते हैं, हमारे हृदय में बसाकर उनके आदर्श होते हैं। आप भूल गई हो, इंदिरा जी के जमाने में ही कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हम बांग्ला विरोधी नहीं है, मगर ममता विरोधी जरूर है। तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने में आया। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर एनआरसी पर चर्चा हो रही थी और ममता जी ने पूरे दिल्ली में एनआरसी का विरोध करने का काम किया। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहने आया हूं, ये एनआरसी क्या है? एनआरसी है आसाम के अंदर से विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर चिन्हित कर बाहर निकालने की प्रक्रिया एनआरसी। इतनी बड़ी रैली है, लाखों लोग हैं। मुझे बताइए, बांग्लादेश की घुसपैठियों को अलग थलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रोके। आप भी विरोध कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी विरोध कर ले, मगर हमारा कमिटमेंट है असम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया को न्यायिक तरीके से हम समाप्त करेंगे और एक एक घुसपैठिए को चिन्हित कर ही छोड़ेंगे। मित्रों, मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं कि आप क्यों घुसपैठिए को रखना चाहते हैं? यही ममता जी थी, देखे साहब लोग कैसे कैसे बदलते हैं। 2005 में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते थे, ममता जी ने लोकसभा सर पे ले ली, लोकसभा के अध्यक्ष पर स्पीकर पर कागज फेंके, लोकसभा बंद करा दी और नारा लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। आज वही बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक बने हुए है, वोट बैंक बने हुए। और ममता जी उनको बांग्लादेश में, उनको भारत में रखना चाहती है, असम में रखना चाहती है। ममता जी स्पष्ट करिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्पष्ट करे कि आप देश की सुरक्षा को आगे रखते हो या अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे रखते हो। मित्रों, एनआरसी जो काम कर रही है वो असम एकॉर्ड के तहत कर रही है। ये असम एकॉर्ड को किसने बनाया? असम एकॉर्ड को उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी थे, उन्होंने बनाया। उस वक्त कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आज वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए राहुल गांधी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं करते। मित्रों, मैं इतनी बड़ी लाखों की भीड़ को पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा पर खतरा है या नहीं है? जरा जोर से बोलिए, खतरा है या नहीं है? बंगाल के अंदर जो बम धमाके होते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए करते हैं या नहीं करते हैं? मैं बता देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले है, वोट बैंक बाद में आता है। और हम एनआरसी की प्रक्रिया कितना भी विरोध कर दो, हम अटकाएंगे नहीं।
और यहां बंगाल में आकर तृणमूल कांग्रेस भ्रांति फैला रही है कि एनआरसी के तहत शरणार्थी भी चले जाएंगे। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल में जितने शरणार्थी है सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लेकर आई है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए क्रिश्चियन, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कोई शरणार्थी को वापिस भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं। ममता दी, भ्रांति फैलाना बंद करो। कहां जाएंगे मेरे शरणार्थी भाई? शरणार्थी भाइयों को यहां रखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस को, यह भी पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लोकसभा और राज्यसभा में आएगा, शरणार्थियों को नागरिकता देने का अमेंडमेंट आएगा, आप समर्थन करोगी या नहीं करोगी, इसकी स्पष्टता करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर स्पष्टता करनी चाहिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां शरण लेकर आए हैं उनको नागरिकता देने में कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है, इसका भी चुनाव के पहले घोषणा करना चाहिए। मित्रों, ह्यूमन राइट की बात कि जो घुसपैठिए हैं उनके मानव अधिकार का क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को, बंगाल के नागरिकों का, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का, इनके ह्यूमन राइट की आपको चिंता नहीं है? इनकी रोजी रोटी, इनकी रोजगारी, इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनकी सुरक्षा, ये बांग्लादेशी घुसपैठ के मार रहे हैं, इसकी आपको चिंता है या नहीं? आपको चिंता हो न हो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पश्चिम बंगाल के हिंदू और मुसलमान भाइयों की चिंता हम कर रहे हैं। मित्रों, अगर जिस प्रकार से ममता बनर्जी के शासन में घुसपैठ जारी है, ये घुसपैठ को रोका नहीं गया तो पश्चिम बंगाल सलामत नहीं। और घुसपैठ रोकने का सबसे कारगर रास्ता एनआरसी है, इसीलिए आसाम में एनआरसी की प्रक्रिया को शांति से समाप्त करना चाहिए। मित्रों, मैं फिर से एक बार इस महान भीड़ के सामने, लाखों की संख्या के सामने 24-24 स्क्रीन रखने पड़े हैं, इतने दूर तक रैली फैली है, इन सारे बंगाल के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं कि आप एनआरसी का समर्थन करते हो या नहीं करते हो? जरा जोर से बोले, करते हो या नहीं करते हो? अरे ममता दी के कान बहरे हैं, ऐसी धीरी आवाज से सुनाई नहीं पड़ेगा, जोर से बोलिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? फिर एक बार बोलिए, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? एनआरसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक ऐसी प्रचंड ताकत खड़ी करिए कि ममता दी को भी डरकर एनआरसी का समर्थन करना पड़े, इस प्रकार की ताकत भारतीय जनता पार्टी ने। जब से ममता दी आई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आई, कानून और व्यवस्था बम धमाकों के खिलाफ लड़कर आई, मगर जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, मित्रों, नारदा, शारदा, रोजवेली, सिंडिकेट का भ्रष्टाचार,
भतीजे का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का एक सीरीज ममता जी ने चला है। कॉल माफिया, पोर्ट माफिया, केटल माफिया आज पूरे बंगाल पर गिरफ्त जमा कर बैठे। ये भ्रष्टाचार से अगर पश्चिम बंगाल को मुक्त करना है तो पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती। मित्रों, कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों की धज्जियां उड़ रही। पहले जो बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, बंगाल के अंदर रामकृष्ण के भजन सुनाई पड़ते थे, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनाई पड़ता था, वो बंगाल में आज बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। हर रोज सुनते हैं यहां से बम का फैक्ट्री मिला, यहां से पिस्टल का फैक्ट्री मिला, सारे कारखाने बंगाल के अंदर बंद हो रहे, बम और पिस्टल बनाने के कारखाने तृणमूल कांग्रेस के शासन में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। मित्रों, अपराध के अंदर सारे रिकॉर्ड बंगाल ने तोड़े। अगर अपराध मुक्त बंगाल चाहिए, पुराना सांस्कृतिक बंगाल चाहिए, पश्चिम बंगाल को अपनी संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ाना है, तो तृणमूल कांग्रेस की जगह यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। अभी अभी पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के अंदर पूरे देश का रिकॉर्ड तृणमूल कांग्रेस ने तोड़ दिया। पूरे देश में कभी भी पंचायत चुनाव 5% से ज्यादा निर्विरोध बिनरिप नहीं हुए हैं, यहां पर 35% सीट बिनरिप हो गई, किसी को पर्चा ही नहीं डालने। 65% कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस अगर मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करकर आप बच जाओगे तो आप कम्युनिस्टों का शासन याद कर लो ममता दीदी, हत्या करने वाले कभी बचते नहीं। जब जनता जागती है, हत्या करने वालों ने गद्दी छोड़नी पड़ती। मित्रों, हमारे 65 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, करोड़ों लोगों को वोट नहीं डालने दिया, फिर भी 7000 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल विजयी रहा है ममता जी, 7000 सीटों पर। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है। आप अभी मैं सुन रहा था तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता बड़े गर्व से कह रहे थे बंगाल में नहीं। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल के हर कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के हर समर्थक को आह्वान करना चाहता हूं, ये 19 सरकारों का कोई मतलब नहीं है। जब तक बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर, विवेकानंद रामकृष्ण की धरती पर, गुरुवर टैगोर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, हमारा विजय रथ रुकना नहीं चाहिए। मित्रों बताओ, बंगाल के अंदर आप परिवर्तन करेंगे? जरा जोर से बोले, करेंगे? अरे सिर्फ परिवर्तन नहीं करना है, उखाड़ कर फेंक दीजिए तृणमूल कांग्रेस को। और बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए मित्रों, तभी बंगाल के अंदर विकास हो सकता है। जब आजाद हुए तब बंगाल का देश की जीडीपी में 25% योगदान था। जब कांग्रेस का शासन गया, कांग्रेस पार्टी ने आधा कर 13% कर दिया। जब कम्युनिस्ट गए 2011 में, तो उसको भी 1/4 कर
4% कर दिया और परिवर्तन के लिए ममता जी को पश्चिम बंगाल की जनता लाई। ये 7 साल में ममता जी ने भी 4% से घटाकर 3% कर दिया। मित्रों, विकास का कंट्रीब्यूशन बंगाल का 25% से 3%। ये तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल को विकास नहीं दे सकती है। तीनों को बंगाल की जनता ने मौका दिया है या नहीं दिया, बताइए जरा जोर से बोलिए, दिया या नहीं दिया? ये तीनों विकास नहीं कर पाए हैं, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, नरेंद्र मोदी बंगाल के विकास को आगे। मित्रों, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, ममता दी यूपीए पर बहुत भारी जाती है, समर्थन करती है, कभी हाँ बोलती है कभी ना बोलती है, मगर वो साथ में ही है। जब यूपीए की सरकार थी 13th फाइनेंस कमीशन आया था और 13th फाइनेंस कमीशन ने 5 साल में बंगाल के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया दिया था। 1,32,000, जरा जोर से बोलिए कितना दिया था? नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, 14वां वित्त आयोग आया, 14th फाइनेंस कमीशन आया, 1,32,000 करोड़ से बढ़ाकर पश्चिम बंगाल को 3,59,000 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, 3,59,000 करोड़ रुपया दिया है। मैं पूछना चाहता हूं बंगाल के गांव के नागरिकों को, आपके गांव में रुपया पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलिए, पहुंचा है? कहां गया भैया, कहां गया? मोदी जी ने तो भेजा है, 3,59,000 करोड़ कहां गया? ये भतीजे और सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है, तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक योजनाएं जिसमें 24,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है वो लेकर आई है। मुद्रा बैंक में 1,28,000 करोड़ युवाओं को, 1,28,000,00,000 युवाओं को 45,000 करोड़ का लोन दिया। जनधन योजना में 3 करोड़ लोगों के खाते खुले। उजाला योजना में 1 करोड़ लोगों को एलईडी बल्ब दिया गया। उज्ज्वला योजना में 5,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और सौभाग्य योजना के तहत लगभग 3,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, अगर बंगाल को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो यहां कांग्रेस और तृणमूल का गठबंधन काम नहीं कर सकता, कम्युनिस्ट भी यहां विकास नहीं कर सकता। विकास अगर कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। और विकास के साथ साथ सभी लोगों के प्रति समान व्यवहार भी भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए, दुर्गा पूजा के अंदर मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन नहीं करने देते हैं, ये वाजी भाई क्या ऐसा होना चाहिए क्या? जरा जोर से बोले, होना चाहिए क्या? सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद कर दी गई, होना चाहिए क्या? मैं गारंटी देता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डंके की चौक पर दुर्गा विसर्जन होगा और सरस्वती की पूजा होगी, कोई रोक नहीं सकता। और ममता दीदी, अब हिम्मत मत करिएगा, अगली बार हिम्मत करी तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आपके सचिवालय की ईंट बजा देगा, मगर दुर्गा पूजन हो करेगा।